अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस्तक़बाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस से 34 का दूसरा सवाल। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे खरीदी कीमत है, आप देख सकते हैं 2000 रुपये। खरीदी कीमत यहाँ पर 2000 और फरोख कीमत यहाँ पर 1900 रुपये। अब हमको यहाँ पर एक सवाल तैयार करना है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदी कीमत जो है ये ज्यादा है और यहाँ पे फरोख कीमत है ये कम है, यानी यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ, सबसे पहले यहाँ पर हमको सवाल तैयार करना है, फिर इसके बाद कितना नुकसान हुआ ये देखना है और कितने परसेंट नुकसान हुआ ये भी हमको फीसदी में नुकसान निकालना है। तो सवाल इस तरह से लिखा मैंने, साहिब ने 2000 रुपये में एक कार खरीदी और उसे 1900 रुपये में फरोख की, तो उसे कितना नुकसान हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक खिलौने की कार यहाँ पर साबित खरीद रहा है 2000 रुपये की और उसे फरोख कर रहा है 1900 में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसे कितना नुकसान हो रहा है। तो नुकसान का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नुकसान बराबर। अब देखिए नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो खरीदी कीमत है ये क्या है, ज्यादा है, इसलिए खरीदी कीमत नफी फरोख कीमत। यहाँ पे मैंने नुकसान का जाब्ता लिखा हूं। अब देखिए यहाँ पे खरीदी कीमत है 2000 रुपये और फिर फरोख कीमत 1900 रुपये। अब यहां पे देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो। अब यहां पे जीरो में से 9 माइनस नहीं होंगे, इसलिए यहां पे मैंने एक यहां से कैरी किया, यहां से यहां पे हो गए 10, 10 में से यहां पे 9 हुए। तो अभी दोस्तों ये यहां पे रहेंगे एक, उसके बाद दो में से दो का एक उधर दिए थे इसलिए यहाँ पे बचा था एक। तो यहाँ पे एक में से एक माइनस होने पर यहाँ पे बचे 0 से 100 रुपये, यानी यहाँ पे अजीत दोस्तों 100 रुपये उसको नुकसान हुआ, 100 रुपये उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पे उसको फीसदी में कन्वर्ट करके देखेंगे कि उसको कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले यहाँ पर आपको गेस करना है, फर्ज करना है। तो फर्ज कीजिए x की सदी नुकसान हुआ, तो x की सदी नुकसान हुआ है। अब यहां पर उसे हल करेंगे, x बटे 100 इज इक्वल टू, तो पहले बच्चों आप देख सकते हैं उसे नुकसान हुआ है 1900 रुपये में, उसने यहां पर 2000 रुपये में अभी दोस्तों उसने खरीदा था और 100 रुपये उसे क्या हो गया था, नुकसान हुआ था इस तरह। उसके बाद दो साइड मल्टीपल बाय हम यहाँ पे दोनों तरफ तरफे के दोनों तरफ यहाँ पे हम सौ से क्या करेंगे, जर्ब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बटे 100 जर्ब 100 इज इक्वल टू 100 बटे डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीपल बाय 100। ये यहाँ पे 100 वन 100 कट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, तो ये एक जीरो कट, ये एक जीरो यहाँ पे कट होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं अभी दोस्तों ये दो है और ये 10 है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 यानी 5%। उसे जो नुकसान जो होता है ये 5% उसे क्या हो जाता है, 5% उसे नुकसान हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।